अगर हम शिक्षा की बात करें तो हमारे औरंगाबाद जिला के देव प्रखंड में नक्सली बेल्ट होने के कारण भी वह शिक्षा के क्षेत्र में एक समाजसेवी ने अलग जगाने का काम किया है। वो समाजसेवी है और औरंगाबाद जिले के देव प्रखंड के समाजसेवी, वो है लक्ष्मण गुप्ता जी। तो आइए जानते हैं क्या कि लक्ष्मण गुप्ता जी का क्यों नामा रहा है, क्योंकि लक्ष्मण गुप्ता जी ने देव प्रखंड जो नक्सली बेल्ट होने से कांपता था, वो आज नक्सली बेल्ट ने शिक्षा के क्षेत्र में अलग अलग जगाने का जो काम किया लक्ष्मण गुप्ता जी ने। क्योंकि कुछ दिन पूर्व हमने एक खबर चलाया था, देव प्रखंड में जो है प्रतियोगिता परीक्षा का जो है आयोजन किया गया था, जिसमें से कई स्कूल के बच्चे, कई कोचिंग संस्थान के बच्चे जो है भाग लिए थे। अगर उस कोचिंग संस्थान की बात करें तो उस कोचिंग संस्थान, उस स्कूल के गवर्नमेंट स्कूल एवं नॉन गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे उसमें शामिल हुए थे और उसमें सभी पासिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड के बच्चों को पुरस्कार देकर और सभी बच्चे को सम्मानित कर इन्होंने अलग पहचान दिया है। आखिर पहचान दिया है तो फर्स्ट जितने भी 6, 8, 9, 10 इन सब विद्यार्थियों को जो है फर्स्ट वाले को लैपटॉप वितरण किया, सेकेंड वाले को जो LCD वितरण किया एवं थर्ड वालों को जो है साइकिल देकर वितरण किया और थर्ड वालों के कई मान्य पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया। अगर लक्ष्मण गुप्ता जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने जो है देव शिक्षा, देव प्रखंड जो है अलग जो है पहले नाम था उससे मैं ट्रेंड चेंज कर दिया हूँ और इसे शिक्षा के क्षेत्र में जो है अलग पहचान देने का काम करूँगा और आगे भी करता रहूँगा। आखिर अगर कहा जाता है कि शिक्षा वह श्रेणी का दूध है जो पीता है वही दहाड़ता है, अगर देव प्रखंड जैसे अगर सभी प्रखंड में ऐसे समाज से भी हो जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी वह प्रखंड नाम करेगा। क्योंकि शिक्षा ही है तो हमारे पास सब कुछ होता है, अगर शिक्षा हमारे पास है बहुत कुछ है, अगर शिक्षा नहीं है तो हमारे पास कुछ नहीं है। कहा जाता है विद्या ददाति विनयम, विनय ददाति पात्रत्वम, पात्रत्वाद्वयनम वाप्नोति धना धर्म ततसुखम। विद्या से बड़ा कोई वस्तु नहीं है, विद्या से बड़ा कोई धन नहीं है, इसलिए हमें विद्या प्राप्त करनी चाहिए। क्योंकि विद्या से ही अगर कहा लक्ष्मण गुप्ता जी ने कि अगर विद्या हमारे पास है तो हम IAS बन सकते हैं और देव आने वाला समय में IAS IPS IITian इंजीनियर यह निकालेगा, यह मेरा गर्व है। यहाँ के बच्चों के प्रति जो रुझान हमें दिखा वो हमें सामने देखने को मिलता है, क्योंकि इस प्रतियोगिता परीक्षा में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों बच्चों ने भाग लिया था और इस प्रतियोगिता परीक्षा में पुरस्कार वितरण में भी हजारों बच्चों को इन्होंने फर्स्ट सेकेंड थर्ड के साथ साथ हजारों बच्चों को इन्होंने पुरस्कार वितरण किया। आइए सुनते हैं कई इसके साहब भी शामिल हुए और प्रखंड के BDO CO और प्रखंड विकास पदाधिकारी हो गए, इसके साथ अन्य अधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल होकर बच्चों को जो है प्रोत्साहित किया। आइए हम देखते हैं कौन क्या किसने बोला। सबसे पहले धन्यवाद पत्रकार बंधु को, तारीफ आप लोग को किया जाएगा कि आप लोग इस क्षेत्र में, पिछड़ा क्षेत्र में आप लोग आके और जो यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, जो बच्चों को प्राइज दिया जा रहा है उसको आप लोग ऊंचा स्तर पर इसको मैंने दिखाएंगे तो लोग में उत्साह और बढ़ेगा। मेरा सबसे पहले उद्देश्य यही था कि यहाँ के शिक्षा को हाईटेक बनाए और वो जो उसको हम देख रहे हैं बच्चे में वो चीज़ आ रहा है, बच्चे में कंपटीशन का भावना जग रहा है हाईटेक ऊपर जाने के लिए। तो हमारा प्रयास था कि देव में जितने भी कोचिंग संस्था, देव में जितने स्कूल, सबको आपस में कंपटीशन कराना और उस कंपटीशन के माध्यम से जो 6 क्लास का बच्चा, 7 क्लास का बच्चा, 8 क्लास का बच्चा, 10 क्लास का जो अभी से कंपटीशन का तैयारी करेगा तो हमारा विश्वास है कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि बड़ा कंपटीशन में लोग को बहुत सुविधा आराम होगा और जो आराम जो देंगे, जो आराम होगा उसके चलते इन लोग को IPS IAS का, UPSC का, मेडिकल का, नीट का इन लोग को तैयारी करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा और आराम से कंपटीशन निकालने मेरा पहला उद्देश्य वही है। इसलिए नहीं कि नक्सल प्रभावित है, मुझे और भी ब्लॉक्स मिल रहे थे लेकिन मुझे देव ब्लॉक में काम करना था, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि देव ब्लॉक बहुत पिछड़ा हुआ है, बल्कि मैं नहीं मानती। जहाँ पे इतने पढ़े लिखे लोग हैं वो पिछड़ा नहीं हो सकता, कुछ और कारण होगा इसके पिछड़ने का। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब मिलजुल कर इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। बच्चों के बीच में क्या संदेश देना चाहते हैं? बच्चों के बीच में संदेश मेरा यही है, यही बच्चे भविष्य होते हैं, तो पढ़ाई एक माध्यम है देव ब्लॉक को चाहे इस जिले को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं बच्चों को बस ये संदेश देती हूँ कि पढ़ो अच्छे से, सिर्फ अपने लिए नहीं पूरे देश के लिए इस ब्लॉक के लिए। इलाके में शिक्षा की अलख जगाई जा रही है, क्या कहेंगे? शिक्षा की अलख जगाई जा रही है, इसको तो बहुत पहले जगाया जाना चाहिए था, लेकिन अब सकारात्मक प्रयास अभी शुरू हुआ है। इसके लिए
हम यहाँ जो इस कार्य में लगे हुए हैं उन लोगों को हम लोग धन्यवाद देते हैं। इसको क्या कहना है, तो बहुत अच्छा चीज़ है। लोग कहते हैं कि लक्ष्मण जी नक्सल इलाके में शिक्षा की अलख जगा रहे हैं। नक्सल इलाका अब इसको कहना ठीक नहीं रहेगा, ये गुजरे जमाने की बात हो गई। लोगों ने समझ लिया कि वो रास्ता कहीं सही नहीं था, उससे उनको कुछ मिला नहीं, उल्टा नुकसान ही हुआ। और अब रास्ता बदल के मुख्य धारा में लोगों को लाभ मिल रहा है, लोग नौकरियां पा रहे हैं, सही जीवन शैली, उनकी जीवन शैली में सुधार हो रहा है। तो वो गुजरे ज़माने की बात हो गई, ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कहना सही नहीं है। और लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज में ऐसे ही और लोग उभर करके आए सामने, है ना, जो जैसा कि मैंने आपको उद्बोधन में बताया, क्षमतावान लोग है ना, क्षमतावान है, दूसरों को आगे बढ़ाए, जो थोड़ा पीछे हैं उनको खींच करके इस तरह से प्रोत्साहित करेंगे तो और भी लोग आगे बढ़ेंगे। पश्चिमी देशों का विकास इसी प्रकार से हुआ है और भारत को इसी चीज़ की आवश्यकता है। बच्चों को जागृत किया गया है, बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई, पुरस्कार एक अच्छा माध्यम है, बच्चों में इसे आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धा के रूप में अपने को निखारने का एक अच्छा ये मंच है जिसका यह प्रयास प्रायोजक महोदय द्वारा किया गया है, ये बधाई के पात्र है। माननीय वीडियो साहब ने भी यह बात अपनी बात अभी भी उन्होंने बोला, मैं उसका समर्थन करता हूँ। सर, आपने खेल स्टेडियम का भी जिक्र किया अपने भाषण के दौरान, तो क्या सरकार की तरफ से स्टेडियम का निर्माण करने का कुछ पहल करेंगे? सरकार की तरफ से यह जो विद्यालय का ये प्रांगण है, यह स्टेडियम के रूप में पहले से चिन्हित किया गया, लेकिन इसका अच्छा से जो होना चाहिए था एक विशेष योजना के तहत, जिससे कि आज ट्रैक एंड फील्ड की भी ज़रूरत है। हमारा भारत भी आगे बढ़ रहा है, अभी हाल ही में जितनी भी खेल प्रतियोगिताएँ हुई हैं उसमें भारत ने अच्छा अपना प्रतिनिधित्व और अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिया है। तो स्वाभाविक रूप से है कि हम देववासी क्यों पीछे रहें, मेरे बच्चे जिस तरह से पढ़ाई में आगे बढ़ने को तैयार है, खेल में भी आगे बढ़े, इसी बात का मैंने कहने का प्रयास आप लोगों के बीच किया। सम्मानित ग्रामीण लोग आए हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लोग, आम जन लोग, विशेषकर प्रतिभागी लोग, सभी का आप लोगों का स्वागत है मेरे तरफ से। और बच्चों से सबसे बड़ी चीज़ है कि इल्म से बड़ा दुनिया में कोई दौलत नहीं होती है। और इल्म अगर आदमी को कंपटीशन के भावना अगर दिल में पैदा होगा तो कहीं ना कहीं कामयाबी मिलेगी। आज भले कुछ तीन कैटेगरी में हम बात कर रहे थे लक्ष्मण जी से, बोले कि तीन कैटेगरी में है, तो एक दो तीन जो भी आए होंगे, सांत्वना पुरस्कार भी है, मगर सांत्वना पुरस्कार वाले कोशिश करें कि पहले पिछले साल जो कंपटीशन हो उसमें हम एक दो तीन में आवें। पढ़ने की इन्फिनिटी होती है, कभी एंड नहीं होती है, इसीलिए हम सभी लोग से, मेरे तरफ से सभी बच्चे को जो सब इसमें पार्टिसिपेंट है, सहभागी है, मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग की, कि जीवन में अपार सफलता मिले, इसी सब से मैं अपना विराम देता हूँ।